पहली पोजीशन आई मास्टर जी की, दूसरा हसन, और मेरे और इसके दरमियान है एक नंबर चाहिए इसको। बोलोगे नहीं चाहिए? बैठा पहले पहले सबसे पहले कल दा कल दा कल दा कल दा बैठा है तंगी हो गया ये चार किने 10 नंबर पहले मास्टर 10 पूरे 10 गेट ले है गेट ले चार तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग शरीफ तरीन में, मासूम तरीन व्लॉग शरीफ तरीन व्लॉग में आप सबका वेलकम, बहुत ज़्यादा वेलकम। तो यार आज कल सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, पंजाबी में बोलूँगा बत्ती आ गई बत्ती टुर गई, बत्ती आ गई बत्ती टुर गई। यार लाइट आ रही है जा रही है, लाइट आ रही है जा रही है, मतलब कोई लाइट का नहीं पता कि यार इस टाइम पर जानी है। लोड शेडिंग लोड शेडिंग लोड शेडिंग बस। तो यकीन करें नींद ही नहीं आती, क्योंकि एक पंखा ही तो है जिसके साथ हवा लगती है और सुकून होता है गर्मियों में, तो वो भी नहीं चल रहा सलीके से। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, गर्मी में कम से कम लोड शेडिंग ठीक कर दो, उसके बाद जो मर्जी। हम तो वैसे ही इतने हार्ड लोग हैं पाकिस्तानी, की हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, और भी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गर्मियों में थोड़ी देर तो पंखा चलने दो यार। आज गर्मी यार बहुत ज़्यादा है यकीन करें, और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। कल के आपने ब्लॉग में देखा था हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, कल फिर भी मौसम ठीक था, लेकिन आज आज सियालकोट का वेदर इतना ज़ालिम है यकीन करें, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, और इतनी गर्मी है कि आपकी सोच है। और फिर भी अब सिर्फ दो रोज़े रह गए हैं या एक रोज़ा होगा, अब ये देखने वाला है कि क्या होता है, यू नेवर नो। तो ये अल्लाह की ज़ात को पता है, तो दो भी हुए हैं इंशाल्लाह ताला रखेंगे रोज़े, और एक भी हुआ तो फिर भी। तो यार ईद आने वाली है, तो एडवांस में ईद मुबारक सबको। तो यार अभी रोज़ा इफ्तार होने वाला है, ग्राउंड में रूटीन के हिसाब से ग्राउंड में आए रहे थे, तो अभी रोज़ा इफ्तार करेंगे, उसके बाद क्या रूटीन रहती है। यार कल वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आपने फिर कुछ नहीं देखा, कल वाला व्लॉग जाकर देखें 29th डे वाला, आपको मज़ा ना आया तो फिर बोलना। तो बड़े मज़ेदार रिएक्शन है लिडो खेलते हुए, और उसमें हम बड़ा मज़ेदार इंजॉय कर रहे हैं। तो आप यार कल वाला व्लॉग जाकर चेक करें, और आज क्या रूटीन रहती है आप हमारे साथ रहें। यार आपने कोई वो दरख्त देखा है जिसको तंदुरुस्त हो इस तरह, और उसकी रूट्स भी हवा में हो, मतलब वो हवा में दरख्त हो सारा, मतलब ये देखें ये तंदुरुस्त दरख्त है ना, अगर इसकी जड़ें भी आपको दिखा दूँ तो फिर क्या बोलोगे। ये देखिए, हाँ जी अब बताएं, है ना करिश्मा, ये भी ये है अल्लाह की कुदरत, इसकी आधी जड़ें बाहर हैं, ये अल्लाह का करिश्मा, मौजदा इसको बोलते हैं। ये है, ये है, ये बाइक है, ये मैंने न्यू ली है, ये ऐसे करते हैं इसे, ठीक है, फिर ऐसे एक्सीलेटर देते हैं, इसका क्लच गियर स्लंसर इंजन कुछ भी नहीं है, चार्जिंग पे है, चार्जिंग पे, ये देखो चला के दिखाओ, ये अब इसे वापस कर दूंगा मैं उतर के, ये इसके गियर ऑटोमेटिक है, खुद लगते हैं, ना आवाज ना कुख ना गंडा कुछ भी नहीं, कोई इंजन भी नहीं, ये क्या है, ये बैटरी लगी है, ये बैटरी है, बैटरी है, ये खुद सेटिंग कराई है सारी, नहीं नहीं ये पहले से हुई है, ये सेटिंग यार लेवल है, बाकी से चार्ज करना पड़ता है तो 100 किलोमीटर दे देती है मान लीजिए, एक चार्जिंग करके 100 किलोमीटर चलेगी एक दफा चार्जिंग, हां एक दफा, यार वाकई यार। और किन्ने दी है ये? 97,000 97,000 पाकिस्तान जा गई वाकई? नहीं ये मैंने इंपोर्ट करवाई है वाकई, हां पाकिस्तान में भी लोगे यार, मजाक के अलावा चेक करें यार चीज, चला एक करी फिर यार, फिर चला दो मैं उधर से वापस आ, ये देखो खुश यार लेवल है यार यदि ते ना आवाज है ना कुछ भी नहीं है, बस ये हॉर्न भी है, इसका डबल चाबी है ये देखिए, ये बैटरी के ऑप्शन है, ये
अच्छा, अगर बैटरी खत्म होती जाएगी सेल कटते जाएंगे। हाँ, कम होते हैं, लेकिन ये मैंने कल की चार्ज की हुई है, तो मैं चार्ज के कर। अच्छा, चार्जिंग का की सीन है था कि चार्जिंग मैं आपको खोल के बताता हूँ। इसके अंदर ब्रेकर लगा हुआ है, जैसे बिजली का नहीं होता वैसे, ये इधर ये यार चीज चेक करें यार, क्या चीज है, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा रहा जा रहा है। देखिए ब्रेकर सिस्टम सारा कुछ यार लेवल है कसम से। बाकी चैन गड़ाड़ी कुछ भी नहीं, बस चैन चैन कुछ भी नहीं है यार। देखें ये चीज है, ये पाकिस्तान आगे चला गया हुआ है यार। चाइना चाहे अस बैठे नहीं, ये सियालकोट है, सियालकोट में भी ऐसी चीजें हैं, चेक करें यार। चाइना चीज भाई ये ऐसे ही चल रही है चार्जिंग के साथ। बाकी हाथ रखे भाई ना जा। ले ले बैटरी भाई है, बैटरी है ये नहीं बैटरी। हाँ इसमें बैटरी, ये चार्जिंग सिस्टम बैटरी यहाँ से चार्ज होगी। अच्छा चार्जर, वाह कोई बड़ा शेड होएगा। हाँ, इतना बैट मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से जितनी मर्जी ना नहीं नहीं टर्बो ऑन होना है, फिर 120 से टुट जानी जे ओनू ना करे गलियां जे। Yeah, जाने लो फांडा डैम वापस परताओ, वेखियो बत्ती ना भने हो, वेख के आन दे हुन आगो यार कदा थले दे दियो है यान जी, राम ना पईयां ये मजे दी है गड्डी, क्या बात है यार, डब्बा भी नहीं लगदा थले फूम रहा है यार। मैं ये हादी गड्डी ये चीज चंगी भाई है, कहना तू चीज है ले गए ऐसे यार। यार चीज चेक करें, मजा आ गया कसम से, ना कोई ये साउंड है और बैटरी रखी हुई है इसके अंदर, बैटरी से चार्ज होती है, कोई चीज नहीं और ज्यादा, और बहुत स्मूथ चलती है यार। चला के भी चेक किए ये इसकी, देखें इधर से ये ऑन हो गई है, बैटरी के सेल्स बता रही है और साथ ही चलना शुरू कर दिए। ये हादी भाई लेके हैं, हादी भाई किस दिन कब से ली हुई है ये? मैंने लिया तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए। अच्छा जी, बाकी बाहर लाइए कि नहीं, इंपोर्ट करवाई है मैंने, इंपोर्ट गोदपुर से इंपोर्ट करवाई सही, और नंबर प्लेट भी लगवा लो। नहीं नंबर नहीं लगवाना, क्यों वैसे सही चल रही है ना गुंडो? हां जबरदस्त चल रही है, 100-110 पे जाती है। अच्छा जी, टर्बो ऑन करते हैं, अगर नॉर्मल स्पीड रखोगे बैटरी कम जाएगी, टर्बो बंद रहेगा 40-60 पे जाएगी, टर्बो ऑन करोगे 100-110 पे जाएगी। यार अच्छा, ये तो चंगी है यार, बंदा आई रख ले, पेट्रोल डालते ही नहीं। कितू लेगी तू, लब कितू गई तू? मैंने मेरा दोस्त है एक, उसने वो तो सेट करवाई या उसने बाकी इंपोर्ट करवाई? इंपोर्ट करवाई, ऐसे नहीं है चीज़, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, लॉन्च होगी इंडिया में चलती है, इंडिया में चलती। यार सही है ना, ना पेट्रोल का खर्चा ना, तेरे को खोनी पैनी ठीक है। चलो ठीक है फिर, तुम यही यूट्यूब चैनल अपने ते पा रहे हो है यार, चीज़ वाकई अजूब है, पाकिस्तान में ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं पेट्रोल के। चलती फिरती शॉप, इधर कहीं दफनाया था हमने बैट को, इधर है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नीचे ही है, इसको इंशाअल्लाह ताला इसको 10 दिनों के बाद निकालेंगे। 29वें ब्लॉग में था तो 39 ब्लॉग में इसको निकालेंगे और इसका इसको देखेंगे क्या हालत होगी इसकी। हाँ जी, अच्छे एक बंदा आ किधर गया? बोलो। ऐसा लो। चलो जी। हाँ जी। जनाब, अच्छा डंपा आता था क्या जनाब? ठीक है, काफी है काम आलो।
अच्छा माल खाने के सोचे खान के नसीबा वाले दे लो जनाब मैं हूं आर्डर जरा वा माशाल्लाह लागे करना इन शाला तला खाओगे चस आए जी आए चस आई पर पैसे मुक गए जी चस तो आई जी ना ठीक है जनाब एक बार आओ खाओ पियो अजमाओ फिर आओ दिलाने सोदे हो दिलाने सोदे टूर्नामेंट नाइट टूर्नामेंट और जिस कॉलेज से यार मैं पढ़ा हूँ ना उस कॉलेज की आज एक वीडियो एक आपके साथ शेयर करता हूँ कि यार आज ये इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि आज मैंने जो आपको पहले दिखाई है बाइक दिखाई है बैटरी से चलने वाली तो वैसी ही चीज़ एक आपके लिए दिखा रहा हूँ कि लोग लड़कों ने प्रोजेक्ट में काम किया और बहुत आला काम किया तो उन्होंने भी एक गाड़ी ऐसी बना रहे हैं कि जो उनका प्रोजेक्ट चेक करें और उनकी यार सोच चेक करें तो ऐसे काम होने चाहिए यार तो आप लोगों ने उनका प्रोजेक्ट भी चेक करना ना कि गलियां बड़ी छोटी हैं उनका ये बड़ा इशू है। हम अब ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाएंगे कि हम हॉरिजेंटल गाड़ी का हॉरिजेंटल जा रही है हम वर्टिकली भी इसको जाना मूव करवा सकते हैं। ये हॉरिजेंटल जा रही है हमारी आम गाड़ियां मेहरान वगैरह ये यहाँ से जाके बड़ा मुश्किल होता है टच हो सकती है जगह की कमी की वजह से। जब ये इंशाल्लाह ये मॉडल तैयार होगा जिस भी सियालकोट से बैठ जाएगा तो ये हॉरिजेंटल जा रहा है ये वर्टिकली मूव होगा। अस्सलामु अलैकुम मेरा नाम मोहम्मद अली है मैं जिसरी सियालकोट का स्टूडेंट हूँ ऑटो एंड डीजल मेरा डिपार्टमेंट मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो 360 डिग्री रोटेशनल व्हीकल है। ये ऐसा सिस्टम है जो गाड़ी को 360 डिग्री मूव करवा सकता है फ्रेम वहीं का वहीं रहेगा आप हम अपने टायर चेंज कर सकते हैं टायरों की रोटेशन मोशन है वो चेंज कर। तो भाई जान आज आप लोगों ने देखी है यार बाइक कैसी लगी आपको वो ऐसी चीज़ें यार आनी चाहिए पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा बड़ी चीज़ आपने वो भी एक चीज़ देखी है बाइक भी। और उसके बाद आज यार सीन ऐसा था कुछ के रोज़ा खोलने के बाद ना यकीन करें हिम्मत नहीं रही लेकिन मैच देखने चले गए थे उसके बाद आ गए तो सो गया था तो इसलिए यार आज कुछ दिखाने के लिए नहीं था इतना हार्ड। तो आज एक महीना हो गया मुझे व्लॉग करते हुए डेली व्लॉग 30 दिन हो गए तो यार ऐसे ही साथ देते रहे तो नई नई चीज़ें करता रहूँगा आप लोगों के सामने। तो अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तो नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़ ना सकते।